राजस्थान में मुख्यमंत्री की गद्दी पर कौन बैठेगा? मुख्यमंत्री की कमान कौन संभालेगा? मुख्यमंत्री की कुर्सी किसके जिम्मे आएगी? ये कई तरह के सवाल इस समय राजस्थान की राजनीति के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सियासी बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ सभी दावेदार अपने अपने हिसाब से माहौल बना रहे हैं, तो वही दूसरी ओर आला अधिकारी को एक नाम तय नहीं कर पा रहा है। राजस्थान में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिले हुए 4 दिन हो गए हैं, लेकिन राजस्थान में अभी तक मुख्यमंत्री के फैसले को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन इसी बीच राजस्थान से एक ऐसी खबर सामने आती है जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में होने लगी है। बता दें, वसुंधरा राजे के बेटे पर बाड़ेबंदी के आरोप लगाए गए हैं। आरोप यह है कि राजे के बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह ने विधायकों की बाड़ेबंदी करने की कोशिश की है। मंगलवार को सीकर रोड पर एक होटल में भाजपा के 5 से 6 विधायक ठहरे थे, जहां किशनगंज से विधायक ललित मीणा भी मौजूद थे। ललित को अपने साथी विधायकों की बातों से और उनके हाव भाव देखकर उन पर शक हुआ कि पार्टी के किसी बड़े नेता के इशारे पर यहां लॉबिंग हो रही है। उसके बाद जब शाम को ललित मीणा घर नहीं पहुंचे तो उनके पिता हेमराज मीणा ने उनसे फोन पर बातचीत की। तब ललित ने कहा कि वो सीकर रोड पर एक रिसोर्ट में मौजूद है। ललित से बात होने के बाद हेमराज मीणा भी रिजॉर्ट पहुंच गए, लेकिन वहां विधायकों ने कहा कि वो कार्यालय जाएंगे। इनमें से एक अंता के विधायक कंवर लाल ने सभी को रोकते हुए कहा कि सभी लोग पहले दुष्यंत सिंह से बात करो। उसके बाद कंवर लाल मीणा ने दुष्यंत सिंह को फोन लगाया, लेकिन दुष्यंत सिंह ने उस समय फोन नहीं उठाया। उसके बाद हम ललित को वहां से लेकर आ गए। हेमराज मीणा ने कहा, मैंने जाने से पहले प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को पूरी घटना के बारे में बताया। इसके बाद सीपी जोशी, विधायक भजनलाल शर्मा और प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण सिंह बगड़ी मौके पर पहुंचे। आगे हेमराज मीणा ने कहा कि मैं पार्टी में पदाधिकारी हूं, मैं और मेरा बेटा। ललित मीणा पूरी तरह से पार्टी के साथ है। हमारी पार्टी के प्रति बहुत सी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें हम पूरी तरह से निभाएंगे। मुख्यमंत्री को लेकर केंद्रीय नेतृत्व जो भी फैसला करेगा हम उसे स्वीकार करेंगे। वही दूसरी ओर वसुंधरा राजे के खेमे का कहना है कि इस तरह के आरोप लगाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। अब देखने लायक ये होगा कि वसुंधरा राजे के बेटे पर लगाए ये आरोप कितने सच साबित होते हैं और कितने झूठ। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सद्दीका मनोहर आपके साथ, शुक्रिया।